नमस्कार दोस्तों, कल है 20 जुलाई और गुरुवार। कल के लिए निफ्टी के लेवल की बात कर लेते हैं। निफ्टी आज एक ऑल टाइम हाई लगा चुका है, फिर वापस 19,836 का लगभग यहाँ पे। तो अभी देख सकते हैं कि जहाँ पे सुबह से रिजेक्शन लिया था वहीं पे आके इसने क्लोजिंग दे दिया मार्केट ने। और CPR की बात करिए तो थोड़ा बड़ा CPR रहेगा यहाँ पे, देख सकते हैं ये CPR है। अगर यहाँ से CPR का सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करता है और ऑल टाइम हाई को क्लोज कर देता है 19,836 का, तो लगभग 850, 875 और 900 ये बड़े टारगेट रह सकते हैं। 950 भी एक बड़ा, 19,950 ये बड़ा टारगेट रह सकता है। अगर यहीं से वापस रिजेक्शन लेता है, देखिए सुबह भी रिजेक्शन लिया था, कल भी इसी लेवल पे रिजेक्शन लिया है यहाँ से, तो अगर CPR के नीचे क्लोजिंग दे देता है 19,780 के नीचे, तो 19,750 ये पहला टारगेट रहेगा और 725 दूसरा टारगेट, और 19,700 और 675 ये बड़े टारगेट रहेंगे। क्योंकि यहाँ पर एक वी CPR है तो यहाँ से रिवर्सल होने के चांसेस है, तो ये तीसरा टारगेट यहाँ तक रहेगा। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी आप देख सकते हैं कि यहाँ से सुबह भी रजिस्ट्रेशन लिया था और उसी जगह पर आके क्लोजिंग दिया है, और कल यहाँ ऑल टाइम हाई है 45,900 यहाँ से रिजेक्शन लिया था। तो अगर यहाँ CPR का सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करता है और 45,700 निकाल देता है ऊपर की तरफ, तो अच्छे खासे लेवल मिल लेंगे। और 45,800 प्लस टारगेट रहेगा, और 45,850 और 900 ये बड़े टारगेट रहेंगे, क्योंकि 900 पे तो ऑल टाइम हाई है ही। यहाँ पे ये डॉट की लाइनें दिख रही होगी, ये प्रीवियस डे हाई होता है, तो यहाँ तक अच्छे खासे रिजेक्शन रहेंगे। अगर यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आता है तो 45,700 तक के अच्छे खासे टारगेट वापस मिल सकते हैं। अच्छी खासी सेलिंग अगर 45,550 के नीचे कैंडल क्लोज कर देता है तो 45,500 और 450 यहाँ तक के लेवल मिलेंगे। 45,400 भी एक अच्छा खासा लेवल मिलने की संभावना है। यहाँ पे 45,400 नीचे नीचे कंटिन्यू सेलिंग रहती है तो 45,300 बड़े टारगेट रहेंगे, और वापस अगर बाइंग होती है तो 45,550 बड़ा टारगेट रहेगा। तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।